हेलो दोस्तों, आप लोग क्या समझे कमेंट में जरूर बताना। तो फाइनल दोस्तों, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ फ्री फायर के लिए एक न्यू सी ओपीसी ग्लिच। इस दोस्तों कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक में दोस्तों बहुत ही स्पेशल चीज है। और दोस्तों स्पेशल चीज वो है जो दोस्तों अभी तक गरीना फ्री फायर ने अभी तक दिया भी नहीं है, वो भी कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक इसके अंदर है। सबसे बड़ी बात, इस कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक को इंस्टॉल करना, अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना बहुत ही इजी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका यह कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक जो मैंने आपको दे रखा है वो दोस्तों आपका आईडी बैन करा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरे जितने व्यूवर्स हैं, जो पुराने पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता है मैं जो ग्लिच देता हूं, मैं जो ग्लिच फाइल देता हूं, वो बिल्कुल ही एंटी बैन होता है। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, मैं जो करूंगा बस वो आपको फॉलो करना है। और एक बार बताओ दोस्तों, मेरी जो चैनल है बहुत ही डाउन चल रही है दोस्तों, आप सबकी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। बस दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना और दोस्तों बस मेरी चैनल कैसे रीच में ला दो, क्योंकि दोस्तों मेरी अर्निंग भी धीरे 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 हो रही है। जैसा कि दोस्तों मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा, मैं पहले भी रिडीम कोड देता हूँ दोस्तों, अभी भी रिडीम कोड दे दूंगा। बस दोस्तों मेरे चैनल को थोड़ी सी और रीच पे ला दो। सही में दोस्तों, इस कलेक्शन पैक में इतने रेयर बंडल्स, इतने रेयर बंडल्स की दोस्तों आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा। दोस्तों फ्री फायर ग्लिच का मतलब ये होता है कि दोस्तों सिर्फ ग्लिच आपको दिखेगा, जो ड्रेस कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक आपने पहना है सिर्फ आपके मोबाइल पे शो होगा। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि अगले वाले को भी वही ड्रेस दिखाया जाए, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको दोस्तों हैक माना जाएगा। दोस्तों वैसे इनलीगल काम हम नहीं करते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस ग्लिच पैक को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर पे चले जाना, वहाँ दोस्तों जेड अचीवर सर्च कर लेना और दोस्तों उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों उसे इंस्टॉल कर ले, तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर बॉक्स में चले जाकर लिंक पे एक फाइल इंस्टॉल कर लेना। और जैसे दोस्तों फाइल को डाउनलोड कर लेते हो, बस दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको जेड अचीवर में आ जाना और दोस्तों कट कॉपी पेस्ट कर लेना है, जैसे दोस्तों मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप एक भी स्टेप मिस कर देते हो दोस्तों आपका ग्लिच फाइल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों ये ग्लिच फाइल लगाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। बस दोस्तों इतना ही कर लेना है और दोस्तों उसके बाद अब दोस्तों आपने फ्री फायर को रीस्टार्ट कर लेना है, स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपको फ्री फायर में ग्लिच अप्लाई हो चुका है और दोस्तों आपको काफी सारे नए नए बंडल्स दिखने लग जाएंगे। और दोस्तों अगर आप फ्री फायर ग्लिच को 2 से 3 दिन रखते हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों इसे 5 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन में अपडेट्स फ्री फायर लाते रहते हैं, 2-3 MB का, 5 MB का, उसमें दोस्तों आपकी आईडी बैन होने की भी चांस हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि साथ साथ जो आप ग्लिच लगा रहे थे वो अपने आप रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, टेक है, तब तो दोस्तों ग्लिच का आप लोग मजा लो। बाय बाय, टाटा।